आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हुआ सिद्धरामैया मंत्रिमंडल का विस्तार। रहीम खान और ईश्वर खंडे समेत 24 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आरएसएस बजरंग दल पर बैन लगाया तो राख में मिल जाएगी कांग्रेस। कर्नाटक बीजेपी चीफ ने किया चैलेंज। बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन में फूट। एकनाथ के एमपी बोले, ये बात फतह स्वीकार नहीं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन पर सियासी बवाल जारी। केजरीवाल खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार में अब नहीं बैठेंगे। मुगल आजम के म्यूजिकल शो की टीम ने अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर दी मनमोहक प्रस्तुति। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में शनिवार को कैबिनेट विस्तार किया गया। कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। इन विधायकों के शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों को 20 मई को शपथ दिलाई गई थी, जबकि 24 अन्य विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि हमने क्षेत्रीय जातीय और सामाजिक न्याय की दृष्टि से निर्णय लिया है। हमने हाईकमांड के साथ इस पर गहन चर्चा करने के बाद ही मंत्रिपरिषद तय किया है। हम अगली कैबिनेट बैठक पर अपने किए वादों पर फैसला लेंगे। अगली कैबिनेट बैठक जून में होने की संभावना है। जिन विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली है उनमें एचके पाटिल, कृष्णा बैरेगौंडा, एन चेलुवार स्वामी, के वेंकटेश, एचसी महादेवप्पा, ईश्वर खंडे, केथा संद्रा, एन राजन्ना, दिनेश गुंडूराव, सरन बसप्पा दर्शनापुर, शिवानंद पाटिल तिम्मापुर, रामप्पा बालप्पा, एसएस मल्लिकार्जुन, तंगदागी शिवराज संगप्पा, सरना प्रकाश सुरद्रप्पा, पाटिल मंकल वैद, लक्ष्मी आर हेबालकर, रहीम खान, डी सुधाकर, संतोष एस लाड़, एनएस बोसेराजू, सुरेश बीएस, मधु बंगारप्पा, डॉ एमसी सुधाकर और बी नागेंद्र का नाम शामिल है। निर्णा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने मांग की है कि पूर्व विधायक अशोक खेनी को सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद दिया जाए। बिदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले और बहुत कम वोटों से हारने वाले खेनी ने विधायक के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कारोबारी खेनी को मंत्री पद दिया जाए तो वो इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। गवर्नमेंट बंदिदे ईग खेनी अवरिगे ताव एनादरू स्थान कोडबेकंत केळ्ता इद्दीरा हंगे? माजी शासकरु मान्य अशोक खेनी साहेबरेन मान्य आगिरतक्कंत ओंदु चुनावणेय रिसल्ट एनिदे ओंदु अदु सोलंतु भावसल नावु स्वल्प मतगळ अंतरदिंद अवरु ಸೋತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ. ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನೇಕ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಖೇಣಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. कर्नाटक में मंत्री और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के बजरंग दल और आरएसएस पर बयान को लेकर दिए गए बयान से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटील ने प्रियांक खड़गे पर पलटवार किया है। नलिन कटील ने प्रियांक खड़गे को चैलेंज देते हुए कहा है कि हिम्मत हो तो आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर बयान लगाकर दिखाएं, कांग्रेस राख में मिल जाएगी। प्रियांक खड़गे के लिए बेहतर होगा कि वे देश की हिस्ट्री भी जान लें। प्रियांक खड़गे को ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक ओर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर खींचतान चल रही है तो दूसरी ओर अब सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना अलायंस में अपना स्वाभाविक दावेदारी सुनिश्चित करने का मन बना लिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट के बीच
खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हाल ही में हुई शिवसेना सांसदों की एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत शिवसेना 48 सीटों में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ से कोई अधिकृत बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच शिंदे गुट के सांसद ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और सरकार दोनों के नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के विरुद्ध समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाने के इरादे से नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये जो कि आईपीसी की धारा 121, 135A, 505 और 34 के तहत आता है। नया संसद भवन रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। नए संसद भवन का वीडियो पीएम मोदी खुद शेयर कर चुके हैं। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है, और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है, और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है, और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि अब वे पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों में नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो पेट्रोल और डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वो दिल्ली में हाइड्रोजन कार इस्तेमाल करते हैं और नागपुर में इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा वाले मुझे बुलेट प्रूफ कार के अलावा किसी और कार में नहीं बैठने देते। इस कारण मुझे इस कार में बैठना पड़ता है, लेकिन तय कर लिया है कि अब मैं पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठूंगा। गडकरी ने लोगों से आह्वान किया है कि सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लें, वो काफी फायदेमंद है। धीरे धीरे देश से पेट्रोल डीजल के वाहन खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली 400 कंपनियां भारत में खुल गई हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज यानी शनिवार 27 मई को 59वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में भारत के पहले पीएम नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। आगामी 28 मई को देश को नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। कांग्रेस और समान विचारधारा की पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही हैं। उनके विरोध पर अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही हैं, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही है। गुलाम नबी ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूं। जंतर मंतर पर कई हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन के समर्थन में अब योग गुरु स्वामी रामदेव उतर आए हैं। स्वामी रामदेव ने कहा है कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। रामदेव ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की तरफ से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बेहद शर्मनाक हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। वो आए दिन माँ बहन और बेटियों के बारे में बकवास करता है, ये अत्यंत निंदनीय है, पाप है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा,
एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं अन्य समाचार। बंगाल के झारग्राम जिले के सालबोनी इलाके में शुक्रवार शाम हुए पथराव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले में शामिल कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जिला पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक जिला पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, उपद्रवियों ने न केवल पथराव किया बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों को पीटा गया। करीब एक दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। मंत्री बीरबहा हंसदा का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और उनका ड्राइवर घायल हो गया। इंडियाज ग्रेटेस्ट स्टेज म्यूजिकल शो मुगले आजम की टीम ने हाल ही में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर इस परफॉर्मेंस के कई वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका की सबसे फेमस जगह यानी टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय रंग में रंगे कलाकार बेहद शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। टीम के सारे कलाकारों ने मुगले आजम के फेमस गाने जब प्यार किया तो डरना क्या गाने पर इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी कि वहां खड़े लोग भी झूमते नजर आए। भारत के पहले ब्रॉडवे स्टाइल शो मुगले आजम द म्यूजिकल का प्रीमियर इन दिनों अमेरिका में हो रहा है। इसका निर्देशन फिरोज अब्बास खान ने किया है। वहीं इसका निर्माण शाहपुर जी पालन जी ग्रुप ने किया है।
अमेरिका में दिखाए जाने वाले ये शो में भारत का कल्चर, डांस, म्यूजिक से रूबरू कराएगा। इस ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल शो में कास्ट और क्रू को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग हैं। फिल्म मुगले आजम का निर्देशन के आसिफ ने किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में हुआ सिद्धरामैया मंत्रिमंडल का विस्तार, रहीम खान और ईश्वर खंडे समेत 24 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आरएसएस बजरंग दल पर बैन लगाया तो राख में मिल जाएगी कांग्रेस, कर्नाटक बीजेपी चीफ ने किया चैलेंज। बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन में फूट, एकनाथ के एमपी बोले ये बात कतई स्वीकार नहीं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन पर सियासी बवाल जारी, केजरीवाल खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार में अब नहीं बैठेंगे। मुगले आजम के म्यूजिकल शो की टीम ने अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर दी मनमोहक प्रस्तुति। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।